हेलो स्टूडेंट्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज क्लास। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। सो आज की जो वीडियो है स्टूडेंट, इसके अंदर मैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप लोग करते क्या है, साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सर्च करते हैं, और इसकी एक अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज एग्ज़ाम जब नज़दीक होता है, जब एग्ज़ाम पास में होता है, या एग्ज़ाम पास में हो या दूर में हो अलग बात है, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने चाहिए। सो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो क्लास ट्वेल्थ में हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को, और सर्च कर रहे हैं साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास ट्वेल्थ। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो मनोवैज्ञानिक का जो आपका पेपर है प्रीवियस ईयर का, तो ये आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों तरह से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यहाँ पर इस पेपर में, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में पेपर आपके बोर्ड से आते हैं। ठीक है, सो हम चलते हैं, एक एक चीज़ों को यहाँ पर अच्छे समझते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाई थी, जिसके अंदर मैं पेपर का एक पेपर बिल्कुल जो है एक आपको ग्लिम्पस दिया था, पेपर के बारे में आपको बताया था कि पेपर इस तरह से आपका आना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके कुछ कितने होने हैं, तो मैंने उन सब चीज़ों को बताया था। आज जो हम करेंगे, इस पेपर को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ कि पेपर हम सॉल्व तो करने चल रहे हैं, जो सॉल्व करने का जो तरीका यहाँ पर है बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक वैसे ही है जैसा कि आपका जो पेपर जो बोर्ड में जो टीचर्स चेक करते हैं। ठीक है, तो टीचर्स के पास होता क्या है, एक आंसर शीट होती है, उसी आंसर शीट का यूज़ करके या उसका हेल्प लेकर के उस आंसर शीट की वो लोग क्या करते हैं, पेपर को चेक करते हैं। तो मेरे पास आंसर शीट भी है और ये क्वेश्चन पेपर जैसा कि आप देख ही रहे हैं बोर्ड का है, तो मैं उन दोनों को ही अटैच कर रखा हूँ, और साथ ही साथ आपको ये दिखाऊँगा, ये समझाऊँगा कि पेपर जो आपको लिखना चाहिए वो कैसे लिखना कैसे चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखा होगा और आपने सुना होगा कि आपके स्कूल टीचर्स करते क्या हैं, आपको बोलते हैं कि बेटा आपको जो साइकोलॉजी का जो पेपर देना है, जो बोर्ड में एग्ज़ाम आपको लिखना है, उसके अंदर बिल्कुल बुक की राइटिंग होनी चाहिए। तो बुक की राइटिंग वो बार बार क्यों प्रेस करते हैं, क्यों बार बार आपको एक ही चीज़ करने को कहते हैं कि बुक की राइटिंग होनी चाहिए साइकोलॉजी के पेपर के लिए, तो उस चीज़ को भी मैं यहाँ क्लियर करूँगा। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट, आपको बता दूं कि जो टीचर्स होते हैं, जो बोर्ड में कॉपियों को चेक करते हैं, जो पेपर्स को आपके चेक करते हैं, उनको एक आंसर शीट पहले से दी जाती है, अब वो उसी को मतलब उसी की हेल्प से चेक करते हैं वो। ठीक है, तो उसकी हेल्प से अगर चेक करेंगे तो आप समझ सकते हो कि अगर उनके पास आंसर होगा एक प्रॉपर जो है फॉर्मेट में, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या करेंगे, उस आंसर से टैली करेंगे और देखेंगे कि यार आंसर मैच कर रहा है बच्चे का कि नहीं। ठीक है, वो आंसर जो लिखा होता है एग्जैक्टली बुक का डिटो कॉपी होता है, मोस्ट ऑफ टाइम, हमेशा नहीं लेकिन मैक्सिमम बुक की लाइन होती है। तो इसकी वजह से आप समझ सकते हो किस लेवल से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, किस लेवल से आपको स्टडी करनी चाहिए, कि आप जो है इस बार के एग्ज़ाम में जो 2020 का जो पेपर होना है एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। सो इसी तरह से मेरा चैनल तनिष्क एस कोर्स एक अल्टीमेट चैनल, जिसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगी, और हम अभी जो है साइकोलॉजी के क्लास ट्वेल्थ साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट ये आपका पेपर लिया है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम आगे जो और वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर हम और भी पेपर्स लेंगे। सो अगर आप सबकी रिक्वेस्ट रही, आप सबकी डिमांड रही, तो डेफिनेटली हम और वीडियो बनाएंगे, और ये खास आप लोग के लिए है, जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट डिमांड रही कि उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सो ये आपका पेपर है, इस पेपर के कुछ इंस्ट्रक्शंस है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। अब ये सब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका पार्ट वन या भाग एक का क्वेश्चन आता है। अगर आप किसी मीडियम के हैं तो दोनों ही मीडियम को ये पेपर हेल्प करेगा ये वीडियो, तो आप वरी नहीं होंगे। आप किसी भी बोर्ड के हैं, अगर मान लो आप सीबीएसई बोर्ड से नहीं हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, और मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के पेपर को सर्च कर रहे हैं और आपको गलती से ये पेपर मिलता है, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। अल्टीमेट आपका सिलेबस एक ही जैसा है और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। सो देखिए, अपनी स्टडी को बेहतर कीजिए हमारे साथ जुड़ करके स्टूडेंट। सो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आता है हिंदी में, सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ।
सामवेगिक क्षमता से तात्पर्य है। कुछ ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, जैसा कि ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका इंग्लिश में यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है, इमोशनल कॉम्पिटेंस रेफर्स टू। सो ये जो क्वेश्चन है आप देखो, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है जिसके अंदर इमोशनल कॉम्पिटेंस किस चीज़ को रेफर करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंस का मतलब क्षमता होता है, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। तो कई बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, या कई बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल हो सकता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में जिसका मीनिंग हम जल्दी समझ जाते हैं, या कुछ ऐसे वर्ड इंग्लिश के होते हैं इसकी हिंदी मीनिंग हम जल्दी समझ जाते हैं। तो यहाँ पर इमोशनल कॉम्पिटेंस रेफर करता है किसको? तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास जैसा कि देख रहे हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ इमोशन, सेल्फ कॉम्पिटेंस टू हैंडल बिहेवियर, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बिहेवियर, परसिस्टेंस इन बिहेवियर। सो इसका जो ऑप्शन राइट आंसर जो होगा वो सेल्फ मॉनिटरिंग इमोशन होगा, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर है ही है। अब इसका हम एक बार सोल्यूशन आपको दिखाते हैं, तब आपको लगेगा हाँ यार जो सर कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। ये है स्टूडेंट सोल्यूशन। अब आपके माइंड में आएगा मैंने दोनों को कैसे अटैच कर रखा है। तो ये मैंने इस तरह से इसकी स्कैनिंग की है, आप यहाँ से देखो पढ़ सकते हैं, स्कैन बाय कैम स्कैनर। इस तरह से मैंने इसकी स्क्रीनिंग कर रखी है कि आप जो है इसको दोनों साथ साथ देख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप आंसर शीट देख रहे हैं ये टीचर्स को मिलता है, बेसिकली ये टीचर्स के लिए अवेलेबल होता है। और ये 2018 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड आंसर या सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स कुछ आपको गिवन है पार्ट ए के, और पेज नंबर भी गिवन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो भी आपको गिवन यहाँ पर टीचर्स को रहता है। तो जैसा कि हमारा पहला जो ऑप्शन था फर्स्ट क्वेश्चन का, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ इमोशन, जो कि पेज नंबर 16 में मिलेगा, तो आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, तो उसमें आप सर्च करना और इस आंसर शीट को देख करके आपके माइंड में आ सकता है कि यार मतलब क्या बुक से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो डेफिनेटली बुक से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, और कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वैल्यू पॉइंट्स होते हैं वो अलग बात है, या वैल्यू बेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पेज नंबर भी आपको राइट हैंड साइड में गिवन है, मार्क्स भी गिवन है, और यहाँ पर इसके आंसर गिवन है। तो आपको आंसर इसी तरह से आपको आंसर करना होता है, बिकॉज अगर आप आंसर टू द पॉइंट नहीं करते हो तो आपको मार्क्स जो है वो उतना नहीं मिल पाता इतना आप सोच के चलते हो, और आपका समय और ख़राब हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट, डैश वास्तविकता का विरूपण करके दुश्चिंता कम करने की एक विधि है। दैट्स मीन इसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, डैश इज वे ऑफ रिड्यूसिंग एंग्जाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी, योर रियलिटी, ठीक है। कह रहा है अगर हम अपनी एंग्जाइटी को कम करना चाहें तो वास्तविकता का विरूपण करें, डिस्टॉर्टिंग करें, जो भी रियलिटी अपने पास है, हमारे साथ जो भी रियलिटी है अगर उसको हम डिस्टॉर्ट करें, उसको विरूपित कर दें, उसको बदल दे, अलग कर दे, तो शायद अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है। अब इसका आपको फिलअप्स चाहिए, इसको इसको फिलअप कैसे करेंगे? तो डिफेंस मैकेनिज्म हमारे अंदर एक होता है जो क्या करता है, जो एक ऐसा वे है जो रिड्यूस करता है अपने हमारी एंग्जाइटी को। अगर हम एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, जैसे हमारा एग्ज़ाम आ गया साइकोलॉजी का, राइट, और साइकोलॉजी का पेपर है, हमने प्रिपरेशन नहीं की, तो उस टाइम अगर अपने माइंड को हम साइकोलॉजिकली इतना एंग्जाइटी में नहीं रखेंगे, उसको अगर काम में रख करके हम सॉल्यूशंस को ढूंढेंगे, तो हम शायद जो है रिड्यूस कर सके अपनी एंग्जाइटी को, अपने स्ट्रेस को। तो यहाँ पर एक आपका डिफेंस मैकेनिज्म आपका ऑप्शन होगा, जो कि पेज नंबर 35 पे दे रखा है, तो इसका राइट आंसर है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कुंठा मनोवैज्ञानिक दबाव के साधनों में से एक है। तो ये सही है कि गलत आपको बताना है। कुंठा का मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है। अब देखो कुंठा कुछ लोग को हिंदी में कम समझ में अगर आ रहा होगा तो फ्रस्ट्रेशन जल्दी समझ में आ जाएगा, ऐसे हो गया फ़ायदा। तो फ्रस्ट्रेशन इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तो ये सही बात है, इसको तो आप सब समझते ही हो, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला है, पहचाने जा सकने वाले किसी मनोवैज्ञानिक लक्षण के बिना तीव्र दर्द होना, ठीक है, विकार का एक उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, एक्सट्रीम पेन विदाउट एनी आइडेंटिफाइबल बायोलॉजिकल सिम्टम इज एन एग्जांपल ऑफ डैश डिसऑर्डर। तो आपने डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा होगा, उसके अंदर एक पेन डिसऑर्डर भी था, है ना। मतलब हम लोग कई बार साइकोलॉजिकली हमें कोई बीमारी होती नहीं है, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि नहीं हमें कोई बीमारी हो गई है,
तो इस तरह से इसे अगर आपको मतलब बायोलॉजिकली ऐसी कोई आपके अंदर आइडेंटिफाइबल सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अगर आपको दर्द हो रहा है तो एक साइकोलॉजिकल आपका बीमारी है, डिसऑर्डर है, तो इसे पेन डिसऑर्डर कहेंगे। तो ये इसका आंसर आपने देख ही लिया है। अब इसका आंसर अगर आप यहाँ सर्च करते हैं तो आपको पेन देखो यहाँ मिलेगा। पेन के साथ में आपका सोमैटो फोम दे रखा है, जो कि आपको ये पेज नंबर मिलेगा 77-78 पे, ठीक है स्टूडेंट। सो इस तरह से आपका जो पेपर जो बनता है इस तरह से बनता है, और जो टीचर्स लोग चेक करते हैं इस तरह से चेक करते हैं। यही रीज़न है कि टीचर्स बोलते हैं बुक की लैंग्वेज चाहिए। अभी चलो ये वन लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं या कुछ फिलअप्स है, लेकिन जो नीचे क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे पार्ट बी के, तो ये सारे बुक से हैं और आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। आपको जितना पूछा जाए आपसे उतने आपको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, आत्म का वास्तविकता से पृथक करके स्वप्न जैसी एक अवस्था को डैश कहा जाता है। फिर इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, अ ड्रीम लाइक स्टेट सेपरेटिंग सेल्फ फ्रॉम रियलिटी इज नोन एज व्हाट, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान समझ लो, कह रहे हैं कि अ ड्रीम लाइक रियलिटी सेपरेशन सेल्फ फ्रॉम रियलिटी इज नोन एज, मतलब आत्म को वास्तविकता से पृथक करके स्वप्न जैसी एक अवस्था को कहा जाता है कि आप स्वप्न जैसी अवस्था में रह रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम कहेंगे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कह सकते हैं या डीपर्सनलाइजेशन कह सकते हैं। दैट्स मीन कि आप जो है सपने की दुनिया में चल रहे हो, आपके साथ में जो रियलिटी हो रही है वो नहीं, उसको आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ये भी एक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है और आपने इसका आंसर फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, विद्युत अवक्षेपी चिकित्सा इसे ECT कहते हैं, जैव चिकित्सा का एक रूप है, ट्रू है कि फॉल्स आपको बताना है। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी इसे ECT कहेंगे, इज ए फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल थेरेपी। सो एक बायोलॉजिकल थेरेपी दी जाती है साइकोलॉजी में, जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। सो ये आपका ट्रू है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट आपने 6 क्वेश्चन कर लिया है और आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इनमें से कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टेड हैं। तो इसके लिए आपको मैं सही तरीका बताऊं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। एग्ज़ाम का दौर है, तो एग्ज़ाम के दौर में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इतनी चीज़ अच्छे समझ सकते हैं कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ होता क्या है कि हम समझ पाते हैं कि किस लेवल से हमें अपनी स्टडी करनी चाहिए। और जब भी हम बुक को पढ़ रहे होते हैं, जब भी आप NCERT बुक को पढ़ो, पढ़ते टाइम आपके माइंड में ये होना चाहिए कि पहली बात फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए। और वैसे भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपका जो एक माइंड है एक सही ऑर्डर में पहली बात काम करना चाहिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वहाँ पर एक हाईलाइटर रखो, हाईलाइट कर लिया करो बुक में, ठीक है। और पूरी बुक को आप बिल्कुल ग्रैस्प कर लो, रटा तो नहीं जा सकता लेकिन ग्रैस्प कर लोगे उसको, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे, तो डेफिनेटली जो है बुक की लैंग्वेज जो टीचर्स कहते हैं तो बुक की लैंग्वेज डेफिनेटली आप फॉलो कर पाओगे। कुछ डेफिनेशन हो गई, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जिसको आपको टू द पॉइंट लिखना ही होता है, तो उसको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं तो उसको आपको लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। सो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो मैंने यहाँ से लिया है, बिकॉज एक पेज को मैंने यहाँ से बीच में डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, इन्होंने लिखा है कि विशेष सामाजिक स्थितियों में प्रदर्शित व्यवहार के लिए कारण प्रदान करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा विशेष सामाजिक जब स्थितियाँ होती है तो वहाँ हम जो है जो व्यवहार जो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वो अलग प्रकार का होता है। तो उस चीज़ को थोड़ा इंग्लिश में हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कॉजेस टू बिहेवियर शॉन इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन इज नोन एज व्हाट। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कॉजेस टू बिहेवियर शॉन इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन, है ना। हम किसी भी स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन में अपने बिहेवियर के अंदर कुछ हम अलग तरह से असाइन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम अपना व्यवहार हम बदल देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका एट्रीब्यूशन है। फिर इसने अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, समूहों में चरम सीमा की संसक्तता का परिणाम डैश होता है, ठीक है। एक्सट्रीम कोहेसिवनेस इन ग्रुप रिजल्ट इन व्हाट, ठीक है।
जैसे मान लो आप किसी ग्रुप में रहते हैं, तो अगर एक्सट्रीम कोहेसिवनेस है, कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता है पहले इसको आप समझिए, इसका हिंदी मतलब इन्होंने दिया है संसक्तता, और इसका मतलब ये होता है कोहेसिव मतलब बहुत ज़्यादा मिला हुआ, जिसके इंटरनल बॉन्डिंग जहाँ पर ज़्यादा होती है, आप बहुत कोहेसिव होते हैं अपने पेरेंट्स से या जिससे भी आपका लव एंड अफेयर होता है उसके उससे बहुत कोहेसिव होते हैं, उसकी एक एक चीज़ को जानते हैं आप, ठीक है। सो आप कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो एक्सट्रीम कोहेसिवनेस इन ए ग्रुप रिजल्ट इन क्या, ठीक है, डैश आपसे बोला है, अगर आप एक्सट्रीम कोहेसिवनेस में रहते हैं, किसी कोई ग्रुप है आपका उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमनेस आप कोहेसिवनेस उसके अंदर आपका है, तो आप डेफिनेटली क्या करते हो, उस ग्रुप के बारे में सोचते रहते हो या ग्रुप से इन्वॉल्व हो जाते हो, तो इसका डैश जो है ग्रुप थिंकिंग करके बनेगा। तो इसका आंसर आप यहाँ ऊपर से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का ग्रुप थिंकिंग, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर 135 मिलेगा। तो ये पेजेस अभी आप इसको सर्च करिएगा, अपने बुक में देखिएगा, इससे क्या होगा आपका एक जो माइंड का सेटअप है वो और अच्छा हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार नहीं सही है, इस तरह से पेपर का आंसर दिया जाना चाहिए, इस तरह से हमें भी लिखना चाहिए। डैश अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डैश परिपेक्ष जताता है कि भौतिक पर्यावरण मुख्यतः मानवों के अपने आराम के लिए होता है। डैश परस्पेक्टिव सजेस्ट दैट फिजिकल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट मेनली फॉर द यूज बाय ह्यूमन बीइंग फॉर देयर कंफर्ट, राइट। तो डेफिनेटली ये सही बात है कि हमारा जो सराउंडिंग, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो भी हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो सिर्फ हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, हम सब के कम्फर्ट के लिए ही तो है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का इंस्ट्रूमेंटल जो भी हमारा है, आपने देखा कि नहीं देखा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 का इंस्ट्रूमेंटल है, ठीक है, 154 पेज नंबर पे आपको सर्च करना है। तो इसका यहाँ बनेगा क्या, इंस्ट्रूमेंटल परस्पेक्टिव सजेस्ट दैट फिजिकल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट मेनली बाय फॉर यूज बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर कम्फर्ट। अगला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग विद टू पर्सन, ठीक है। यहाँ इनका जो है हिंदी में क्वेश्चन है, अंतर व्यक्तिगत या व्यक्तिक संप्रेषण में दो व्यक्तियों से बातचीत सम्मिलित है। तो मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट, इंटरपर्सनल में जो कम्युनिकेशन होता है वो, इसमें इसको ट्रू या फॉल्स कहा जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या हम दोनों ही कह सकते हैं, चाहे ट्रू के लिए वो भी सही है, फॉल्स के लिए वो भी सही है, क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो खुद से भी हो सकता है या दो लोगों के साथ में भी हो सकता है। अगर आप इंटरपर्सनल होते हो, अपने आप से ही कुछ बातें करते हो, तो वो भी, इसको भी इंटरपर्सनल कह सकते हैं, एक तरह से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। या हम किसी एक अनदर पर्सन से बात कर रहे होते हैं, हमारी बातचीत दो लोगों के बीच में हो रही होती है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो भी आपका इंटरपर्सनल में ही आता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, अगर आप ट्रू लिखते हैं तब भी आपका राइट आंसर होगा, फॉल्स लिखते तब भी आपका राइट आंसर होगा, तो इसका दोनों ही सही है। तो आप चाहे जो लिख दो, दोनों में आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है पार्ट बी के क्वेश्चंस। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगेगा। स्टूडेंट वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, 18 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, ठीक है, और मैं नहीं चाहूँगा बहुत बड़ी वीडियो बने, तो मैं इसकी वजह से इस वीडियो को बहुत जल्द कवर कर दूंगा अभी, ठीक है। कुल क्वेश्चन नंबर हम 20 तक करेंगे, फटाफट कर लेते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बी प्रकार के व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइप बी पर्सनालिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कि बी प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो क्या, कैसे बिहेव करते हैं, वो किस तरह से आप उनको लिखोगे, उनके बारे में बताओगे। अब जरा देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को इन्होंने कितने पॉइंट्स में लिखा है, पार्ट बी का हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जो टाइप बी पर्सनालिटी होती है उसको आप कह सकते हो कि टाइप ए जो पर्सनालिटी होती है उसका अपोजिट है वो। देखो यहाँ आंसर भी लिखा है, एब्सेंस ऑफ टाइप ए ट्रेट्स या पर्सनालिटी, अपोजिट ऑफ टाइप ए ट्रेट्स विच आर हाई मोटिवेशन, इम्पेशेंट इन हरी फील्ड्स, बर्डन विद वर्क, फील शॉर्ट ऑफ टाइम, नॉट रिलैक्स। जो टाइप ए पर्सनालिटी, देखो यहाँ पर दोनों ही आपको समझा दिया स्टूडेंट, तो आपको तो टाइप बी लिखना है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो कि पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं उसमें आप लिखोगे एब्सेंस ऑफ टाइप ए ट्रेट्स, मतलब टाइप ए की जो व्यक्तित्व है ए प्रकार का वो नहीं है इसके अंदर, या अपोजिट ऑफ टाइप ए ट्रेट्स ऐसे लिख सकते हो, या आप टाइप ए को सबसे पहले खुद समझ लो कि टाइप ए होता क्या है, उसको देखो यहाँ समझा रखा है।
टाइप ए की पर्सनालिटी जो लोग होते हैं बेसिकली हाई मोटिवेशन होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, इन हरी होते हैं, फील्स बर्डन विद वर्क, फील शॉर्ट ऑफ टाइम, नॉट रिलैक्स. जो टाइप ए पर्सनालिटी के लोग होते हैं आपके अगल बगल आपको दिखाई देते होंगे, वो अक्सर जो है अस्थिर होते हैं, हमेशा उनको लगता है काम ही काम है, काम ही काम, मतलब एकदम उनको समझ लो कि बिल्कुल इम्पेशेंट टाइप के. हाई मोटिवेशन उनके अंदर, ये बात तो अच्छी, हाई मोटिवेशन होते हैं, उनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस की भावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमेशा वो बर्डन फील करते हैं. तो यही रीज़न है कभी रिलैक्स नहीं रहते वो. जब रिलैक्स नहीं होते तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा रिसर्च में पाया गया कि ऐसे लोग जो टाइप ए टाइप के जो पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ इन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. जबकि टाइप बी क्या होता है उसका यहाँ और में देखो दे रखा है, लो मोटिवेशन में होते हैं वो, हैज़ पेशेंस, उनके अंदर पेशेंस होता है, नॉट इन हरी, उनको कोई जल्दबाजी नहीं है. आपने अपने क्लासमेट में देखा होगा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलते होंगे, एग्ज़ाम आ गया है कोई दिक्कत नहीं है, तो इनके साथ कुछ अलग प्रकार का मतलब क्या कहते हैं इवेंट होता है. ऐसे लोग थोड़े मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइप ए वाला बहुत अच्छा है या टाइप बी वाला बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिविटी कुछ नेगेटिविटी दोनों के अंदर है. तो हमें इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए. अगर हम खुद की बात करें पहले तो टाइप बी के लोग कैसे होते हैं, उनका मोटिवेशन लो होता है, उनको चाहे कितनी बड़ी बात बोल दो, स्वामी विवेकानंद की बात चाहे बोल दो, चाहे गौतम बुद्धा की बात बोल दो, चाहे किसी महान से महान जो पर्सनालिटी के बारे में कुछ बता दो, कोई उनकी थॉट्स बता दो या कोई उनका उनकी फिलॉसफी बता दो, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनका तो यार हट यार ऐसे ही सब चलता है, ठीक है, उस पर उतना ध्यान नहीं देते, राइट. लेकिन जो टाइप ए के लोग होते हैं वो हाई मोटिवेशन होते हैं, वो छोटी सी बात में भी वो मोटिवेट हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है. वहीं ये बुरी बात भी है, बिकॉज वो फील्स बर्डन, हमेशा बर्डनफुल रहते हैं और रिलैक्स नहीं रहते, ठीक है. तो टाइप बी वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, लो मोटिवेशन होते हैं, हाई पेशेंट होते हैं, नॉट इन हरी, वो जल्दबाजी में नहीं होते हैं, चाहे गाड़ी छूटने वाली क्यों ना हो, वो आराम आराम से काम करेंगे. डज नॉट फील बर्डन, वो कभी बर्डन नहीं फील करते विद वर्क, वर्क से डज नॉट फील शॉर्ट ऑफ टाइम, उनको लगता है टाइम बहुत है, मजे करो, फिर रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स्ड फील करते हैं. तो ये दोनों आप देखो, इस क्वेश्चन में मैंने आपको देखो दोनों ही समझा दिया, टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी. टाइप बी अगर आपको जब जनरली लिखना है तो इसके अंदर पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं डॉट वाला वो लिखना पूरा, उसके बाद और के नीचे वाला लिख देना, ठीक है. अगर टाइप ए आपसे पूछता है व्हाट इज टाइप ए पर्सनालिटी, तो उस केस में लिखना विच आर हाई मोटिवेशन, और टाइप ए पर्सनालिटी कम्स इन हाई मोटिवेशन, इम्पेशेंट, इन हरी, फील्स बर्डन विद वर्क, फिर शॉर्ट ऑफ टाइम, नॉट रिलैक्स्ड, एट्सेट्रा, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 12. एक्सप्लेन इमोशन ओरिएंटेड कोपिंग स्ट्रेटजी, ठीक है. संवेग उन्मुख सामना करने की युक्ति को स्पष्ट कीजिए. तो संवेग उन्मुख का मतलब हो गया इमोशन ओरिएंटेड, है ना. हम इमोशनल, हम लोग ह्यूमन बीइंग लोग क्या होते हैं, हम लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं, इमोशंस होना चाहिए. अगर हमारा इमोशन ही हमको बेसिकली बाकी लोगों से अलग करता है, बाकी लोगों से इन द सेंस मतलब बाकी जितने भी क्रिएचर्स हैं, हम इमोशनल फुल होते हैं, तो ये संवेग उन्मुख का सामना करने की युक्ति का स्पष्ट है. तो इसको हमें कई बार कॉपरेट करना आना चाहिए, ठीक है. हमें हमारे अंदर इमोशन होना वो ज़रूरी है, वो तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है. वो नहीं होगा तो हम इंसान नहीं होंगे, लेकिन उसको उसके साथ कॉपरेट करना, उसको कोप करना, एक स्ट्रेटजी हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए. जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप डॉक्टर हैं, ठीक है, अगर आप डॉक्टर हैं, आपके सामने कोई आपका पेशेंट अगर आता है तो आप उसके साथ इतना इमोशनल इन्वॉल्व हो जाते हो कि मतलब उसको बिल्कुल अलग तरह से ट्रीट करने लगते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है. यहाँ आपको इमोशन को अपने कॉपरेट करना आना चाहिए, आपको एक स्ट्रेटजी बिल्ड करनी चाहिए. दैट्स मीन कि हमें इमोशनल फुल होने के बावजूद, होने के साथ साथ, ठीक है, हमें एक स्ट्रेटजी बना के रखनी चाहिए, अपना इमोशंस दिखाने चाहिए और उसको अपने ऊपर आने नहीं देना चाहिए, ठीक है. तो उसी के बारे में आपका ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन. आप इसका आंसर देते देते आप कुछ सीख भी सकते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर आपका हम यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर नंबर आपका 12 देखेंगे. इमोशन ओरिएंटेड कोपिंग स्ट्रेटजी, उन्होंने बताया एफर्ट टू मेंटेन होप एंड कंट्रोल वंस इमोशन. जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए. हमें कुछ ऐसे एफर्ट करने चाहिए मेंटेन अपने होप को. जैसे मान लो अपने साथ कुछ ऐसे बैड इवेंट चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में मेंटेन करना चाहिए अपने होप को. जैसे एग्ज़ाम आ गया आपका फॉर एग्जांपल, ठीक है. अगर मान लेते हैं आपका एग्ज़ाम आ गया है और आपके पास टाइम कम है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप इमोशनफुल नहीं हो जाओगे, घबरा नहीं जाओगे, कामों को तितर बितर नहीं कर दोगे,
आप एफर्ट करोगे मेंटेन होप के साथ में एंड कंट्रोल वंस इमोशन, अपने इमोशन कंट्रोल करके जो भी बेसिक स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, साइकोलॉजी के पेपर के लिए, उसके लिए आप करोगे, ठीक है। और मेरा तो सजेशन आप सबके लिए यही रहेगा, अगर किसी के साथ ऐसी घटना घट भी गई है, कम टाइम है अगर उसके पास, तो मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सर्च करिए, ठीक है, तनिष्क क्रैश कोर्स चैनल से, और वहाँ से आप उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप साइकोलॉजी में मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो साथ ही साथ आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, बहुत हेल्प उससे मिलेगी, ठीक है। फिर साइकोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे लगता है, अगर साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं मन से तो ऑटोमेटिकली मज़ा आएगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने ही बारे में, पहला पॉइंट रहा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इन्वॉल्व इन वेंटिंग फीलिंग ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, जो भी आपकी इन्वॉल्व्स करती है ना एंगर और फ्रस्ट्रेशन फीलिंग, उसको क्या करो, उसको कंट्रोल करना चाहिए। डिसाइडिंग दैट नथिंग कैन बी डन विद चेंज थिंग्स, ठीक है, और ये डिसाइड कर लेना चाहिए, नथिंग कैन बी डन विद चेंज थिंग्स, मतलब जो भी आप चीज़ें बदल रही है उससे कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपोर्ट आंसर विद एनी रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, ठीक है, और सपोर्ट करना चाहिए जो भी आपके आंसर हैं एक रेलेवेंट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल के साथ में, उसको सपोर्ट हमेशा देना चाहिए। तो ये कुछ इमोशंस को जो है कोप करने की स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया है, क्वेश्चन नंबर 13 कर दे स्टूडेंट, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है तो मैं 15 तक ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मनोवैज्ञानिक विकारों के प्रति अन्योन्य क्रिया उपागम क्या है, व्हाट इज इंटरैक्शनल अप्रोच ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बिगड़ जाता है, ठीक है, इंटरैक्शनल है बेसिकली ये, व्हाट इज इंटरैक्शनल अप्रोच टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसको हिंदी में एक बार इसका मतलब समझिए, मनोवैज्ञानिक विकारों के प्रति अन्योन्य क्रिया उपागम क्या है, मनोवैज्ञानिक विकार मतलब हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर चल जाते हैं, कई बार हमारे माइंड में कुछ ऐसे उल्टे सीधे अप्रोच आ जाते हैं कि वो डिसऑर्डर बन जाता है, तो उन विकारों के प्रति क्या अन्योन्य क्रियाएं हैं, क्या उसको इंटरैक्शनल अप्रोच है जिससे हम उसको ठीक कर सके या उसको समझ सके। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 रहा, इसका आंसर हम यहाँ से देख लेते हैं, इंटरैक्शनल अप्रोच टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पहला है बायोसाइकोसोशल अप्रोच, ये कुछ अप्रोच है जिसका यूज़ करके हम ठीक कर सकते हैं इसको। बी में दिया है ऑल थ्री फैक्टर्स बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन इन्फ्लुएंसिंग द एक्सप्रेशन एंड आउटकम ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये पेज नंबर देखो 73 में लिखा गया है स्टूडेंट, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है इन क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में लिखिए इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर के, या आप जो है इसको सर्च करिए, आप खुद देखिए कि आपके बुक में किस तरह से वहाँ लिखा गया, थोड़ा होमवर्क कीजिए आप अच्छे से बैठ करके, डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी साइकोलॉजी की, ठीक है। क्लास 12 साइकोलॉजी की वीडियो हम बना रहे हैं स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पेपर से कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम आपको 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, तब आपका बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप थोड़े से और इंटेलिजेंट टाइप के स्टूडेंट अगर हैं तो आपको कम से कम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए साइकोलॉजी के, यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चन पेपर ऑफ साइकोलॉजी ऑफ क्लास 12, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अप टू मार्क, ठीक है। सो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सो क्वेश्चन 14 अपना रहा यहाँ पर, कह रहे हैं कि वियोग दुश्चिंता विकार, इसे सैड कहते हैं, को स्पष्ट कीजिए, दैट्स मीन एक्सप्लेन सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, जिससे हम बहुत अटैच होते हैं, आपने देखा होगा बचपन के दिनों में कई बार आप लोग के साथ भी ऐसी कुछ घटना घट सकती है या घटी हुई होगी कि जब हम छोटे होते हैं और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, या मम्मी नानी के यहाँ चली जाती हैं, या पापा कहीं दूर जॉब पे चले जाते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ डिसऑर्डर सा होने लगता है, हमें इनकी चिंता होती है, उनको अपने से अलग होने की वजह से हम जो है कुछ ठीक से नहीं रह पाते, तो उसी के बारे में आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सैड कहते हैं, तो सैड का फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछ रहे तो आप अच्छे से लिख देना, ठीक है। तो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर बेसिकली क्या है,
एंड इंटरनलाइजिंग बिहेवियरल डिसऑर्डर यूनिक टू चिल्ड्रन। बेसिकली ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? प्रोमिनेंट सिम्टम इज एक्सेसिव एंग्जाइटी, एंग्जाइटी हो जाती है, हैरानी परेशानी बच्चों के अंदर, पैनिक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है बाय चिल्ड्रन एट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, सो ये पेज नंबर 82 से 83 के पेज नंबर मिलेगा, आप वहाँ भी अच्छे से सर्च करना। और कुछ चीज़ें और यहाँ पर साथ साथ होगी, डिफ़िकल्टी बीइंग इन रूम बाय देमसेल्फ, तो डिफ़िकल्टी होती है कमरे में रहने से अकेले। सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो इसको, गोइंग टू स्कूल, बच्चा कई बार स्कूल जब उसको पेरेंट्स छोड़ते हैं, या आप लोग के साथ में हो सकता है हुआ हो किसी के साथ में, कि जब आपको पेरेंट्स छोड़ने जाते हो स्कूल तो आप बहुत रोते हो, चिल्लाते हो, नहीं उनको छोड़ने का मन करता, तो बच्चा स्कूल से डरने लगता है ना, ऐसा हो जाता है, फियरफुल ऑफ एंटरिंग न्यू सिचुएशन। कई बार आपने ऐसा भी महसूस किया होगा कि नहीं, दूसरे घर में अगर हम जा रहे हैं, किसी पार्टी किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ फियरफुलनेस सी लगती है। ठीक है, पापा से दूर हो जाएंगे, मम्मी से दूर हो जाएंगे, इस तरह से मतलब कुछ चीज़ें होती है, तो इसे सैड के उसमें रखा गया है। टू अवॉइड सेपरेशन चिल्ड्रन विद सैड बाय फस स्क्रीम थ्रो सीवर टैंट्रम टू मेक सुसाइडल गेस्चर, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन विद सैड में फस, कई जो चिल्ड्रन सैड से जो ग्रसित है, में फस मतलब वो कुछ गड़बड़ी करते हैं, स्क्रीम चिल्लाते हैं, थ्रो सिवर टैंट्रम्स मतलब घर को पूरा सिर उठा लेते हैं, पूरा घर उठा लेते हैं, एंड मेक सुसाइडल गेस्चर्स, और बहुत ही मतलब सुसाइडल गेस्चर भी वो देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ आप लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा इसको एलोबरेट ज़्यादा कर दिया है, तो आप इतने पॉइंट्स नहीं लिख के कुछ ही पॉइंट्स लिखे तब भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है स्टूडेंट, निर्धनता चक्र क्या है, व्हाट इज़ पॉवर्टी साइकिल। तो पॉवर्टी साइकिल, गरीबी जिसे कहते हैं, आप सभी जानते हैं, तो ये पॉवर्टी साइकिल क्या है, आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है ये, कि हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, हमारी साइकोलॉजी ऐसा सिखाती है, हमारा साइंस, हमारी फिजिक्स ऐसा सिखाती है, बिकॉज अल्टीमेट हम लोग क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरा, जो है आपने बेसिक स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जो है हमारी जो साइंस है उसके अंदर हम लोग किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, इससे ये होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रन कर रहा होता है, तो ये पूरा हम लोग का जो स्ट्रक्चर है, जो हमको फिजिकल जो दिखता है, ठीक है, वो फिजिकल है नहीं, वो सब क्या है, वो सब एक एनर्जी का कंपोजिशन है बेसिकली, हमारे अराउंड, हमारे सराउंड हर जगह एनर्जी, एनर्जी पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना हुआ है, ऐसा फिजिक्स कहता है, क्वांटम फिजिक्स ऐसी बात बताती है, और ये सच्चाई है। ठीक है, तो ये सच्चाई अगर है तो जो पॉवर्टी से ग्रसित जो लोग होते हैं, पॉवर्टी साइकिल कहने का मतलब गरीबी बार 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 घूम घूम के आ रही है, तो ऐसा इसलिए होता है कि इंसान उस गरीबी के बारे में अटका रहता है, उसी के बारे में सोचता फिरता रहता है, तो उसकी गरीबी जो है बार बार वो एक साइकिल की तरह वो पहिया घूम जाया करता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन आप इसको किस तरह से लिखते हैं ये मायने रखता है, तो इसका आंसर अपने को नेक्स्ट पेज में मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो पॉवर्टी साइकिल ये बता रहे हैं, पॉवर्टी बेगेट्स पॉवर्टी, एक कुछ आपका प्रूफ टाइप दे रखा है, कुछ मुहावरे टाइप ये लाइन है, पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी जो होता है वो पॉवर्टी को पैदा करता है, उपजाता है, बिगेट्स मतलब उपजाना होता है, लो इनकम एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, इनकम जो कम होती है, रिसोर्सेज कम होते हैं, और इससे बहुत सारी गरीबी, बहुत बड़ा अभिशाप है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, गरीबी क्या है, बहुत बड़ा अभिशाप मतलब बहुत बड़ी समस्या है, अगर कोई गरीब इंसान हो जाए समझ लो, तो उसके अंदर ये जो यहाँ पॉइंट्स लिख रहे हैं वो तो कम पॉइंट्स लिखे गए हैं, बहुत सारी समस्या आ सकती है, इसका आंसर आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लो इनकम लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है, द पुअर गो थ्रू लो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, आप समझ सकते हैं, तो पुअर रहेगा तो उसका हेल्थ कैसा रहेगा और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, उसकी बात ही मत करो, लैक ऑफ एजुकेशन, साथ ही साथ गवर्नमेंट वाला फैसिलिटी दे रहे लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं होती, फंसे रहते हैं, लैक ऑफ स्किल्स, जब सारी समस्या है तो स्किल्स कहाँ से आएगी। ठीक है, तो गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप, कहावत है ये भी, अभिशाप मतलब एक बहुत बड़ा एक श्राप जैसा होता है, गरीब नहीं होना चाहिए, इसलिए आप सभी स्टूडेंट मेहनत से पढ़ाई कीजिए, आज हम ये क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर इसका आंसर यहाँ से आप अच्छे से सेल्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, तो यहाँ पर देखो मैं इसका आंसर देगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, 16, 17, 18, ये रहा 19 और ये 20। ठीक है, और इसके 20 की क्वेश्चंस मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 17 है इधर, 20 तक हो गया बराबर, और इधर आके देख लो आप 16 तक।
ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं स्टूडेंट। और क्लास स्टॉप करने से पहले आप सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरी जो वीडियो है प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए यार, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। मेरा जो चैनल है तनिष्क एयर स्कोर्स एक अल्टीमेट चैनल है, यहाँ पर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास साइंस में फिजिक्स नहीं होगी, केमिस्ट्री नहीं होगी, ना तो मैथ्स होगी। तो आपके जो सिबलिंग में जो फ्रेंड्स हैं या सिबलिंग के लोग हैं, बच्चे हैं जो घर में, और उनको मेरे चैनल के बारे में बताइए। मेरा चैनल एक अल्टीमेट चैनल है जो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस ले आ रहा है, ठीक है, तो सभी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। साइकोलॉजी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है, अल्टीमेट मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट्स नहीं हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है साइकोलॉजी पढ़ाना समझाना, ठीक है। तो इसमें से इस पर वीडियो बनाता हूँ। और आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर ये लाया हूँ कि मैं जो है इस पेपर को सॉल्व पूरा कराऊँगा, ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे हैं ऐसे ही। और इसके बाद जो है अगर आप सबकी रिक्वेस्ट रही तो मैं प्रीवियस 10 ईयर के साइकोलॉजी के पेपर को सॉल्व कराऊँगा, ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर आपकी रिक्वेस्ट रही, डिमांड रही तब। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आप शेयर कर दो। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, मेरा एफर्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे स्टूडेंट। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं, मान लेते हैं आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, कुछ बिहार के स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था सर हिंदी वीडियो बनाइए, तो ये हिंदी में है, ठीक है। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9560309722 है, अगर मेरे पास जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसका आंसर आपको दूंगा। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगा। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप प्रीवियस 10 ईयर के पेपर को सॉल्व कीजिए साइकोलॉजी के, और ये जो पेपर है मैं इसको पूरा सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद जो आपको 9 जो सेट मिलेंगे, अगर आपकी डिमांड रहेगी तब ऐसा करने वाला हूँ। अगर मुझे 100 लोगों ने मैसेज किया, कम से कम 100 लोगों ने, और उनकी डिमांड रही तो मैं 9 जो है और वीडियोस, मतलब 9 वीडियोस कह रहा हूँ, 9 और जो पेपर हैं उसको सॉल्व मैं करूँगा, और उससे मैं उसके मैं आप सबसे चार्जेस लूँगा। अब आप सोचोगे कि चार्जेस क्यों, चार्जेस इसलिए बिकॉज आप मार्केट में जाते हो, कोई भी एक बुक खरीदते हो जो जस्ट आपको एक मैनुअल टेक्स्ट की फॉर्म में होती है, हार्ड कॉपी होती है, आप वहाँ से जो है वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते, नथिंग, फिर भी वहाँ आप पे करते हो। मैं कोई बड़ा अमाउंट नहीं चार्ज कर रहा हूँ, मैं अपने टाइम की वैल्यू को समझते हुए एक छोटा सा अमाउंट आपसे चार्ज करूँगा, जस्ट 21 रुपीज़। 21 रुपये में आपको टोटल मैं पेपर 9 के 9 सेट प्रोवाइड करूँगा, लेकिन कम से कम 100 लोगों की जब तक रिक्वेस्ट नहीं होगी तब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर 1-2 लोग की रिक्वेस्ट हुई तो नहीं करूँगा। 21 रुपये का आपका जो पेपर होगा 9 के 9, उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो जो इस कोर्स को लेंगे या जो जो इसको परचेज करेंगे। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो एक्स्ट्रा एडेड जो सप्लीमेंट्री जो बुक्स होती हैं आप उसे न परचेज करें, उससे बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लें। 20 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बता दे रहा हूँ मैं, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप अभी देख पा रहे हैं कि मैं 38 मिनट की वीडियो बन चुकी है, अब सोचो 38 मिनट की वीडियो मैंने यहाँ लगाया है बनाने में, समझाने में, प्लस इसके पहले ये जो पूरा सेटअप मैंने इसको पेपर को क्रॉपिंग करके सेट किया है वो तो किया है। अभी इसको अपलोड वीडियो जब करूँगा ना तब इसमें थंबनेल से लेकर के बाकी सारी चीज़ें बनाऊँगा और उसके बाद वीडियो तब जाएगी। अभी मतलब 1 घंटा इसमें और मान के चलो तो एक वीडियो पे कम से कम ये मान चलो 2.5 घंटा लगता है, ठीक है। एक वीडियो को पूरा सेट करने में 2.5 घंटा लगता है स्टूडेंट, ठीक है, तब जाके वीडियो अंदर जाती है। और अगर मैं आपसे 21 रुपया मात्र मांग ले रहा हूँ तो कोई बहुत बड़ा ऐसा तो मैं गुनाह नहीं कर दे रहा हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा मतलब एडिटिंग मैं खुद करता नहीं, एडिटिंग मैं किसी और से करवाता हूँ, ठीक है, फैमिली मेम्बरी है तो ये उसका ये काम मैंने उसको दे रखा है। जैसे उसको टाइम मिलता है, मेरे भतीजा है, मैं उसको दे देता हूँ कि वो तू एडिटिंग कर, ठीक है। तो एडिटिंग मैं किसी और से करवाता हूँ, क्योंकि इतना टाइम अगर मैं लगाऊँ करने के लिए तो मैं अपनी क्लासेस कब लूँगा। मैं अल्टीमेट मेरी एकेडमी है तो दिल्ली में, तो मैं क्लासेस वहाँ लेता हूँ। और मेरा सब्जेक्ट मेन जो है साइकोलॉजी तो नहीं, स्टूडेंट आपको पहले ही बताया था मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ मैं स्पेशली, साइकोलॉजी मेरा फेवरेट बन चुका है और साइकोलॉजी भी मैं पढ़ाता हूँ। मेरी एकेडमी में स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के और मैं उनको भी यही सेम स्ट्रेटजी उनसे भी फॉलो करा रहा हूँ, ठीक है। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप कहीं भी किसी भी जगह से हैं, आपके अगर कोई डाउट हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको साइकोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करना। अगर 100 लोग कमेंट मेरे पास आते हैं, जब तक 100 लोगों की कमेंट और डिमांड नहीं होगी मैं 9 के 9 सेट सॉल्व नहीं करूँगा। बिकॉज 9 सेट सॉल्व करने का मतलब समझते हो बहुत मेहनत है,
बट अच्छी खासी मेहनत है, क्वेश्चन निकालो, सर्च करो, उसका आंसर सेट करो, ये बहुत ही मेहनत है, ठीक है। तो एटलीस्ट 100 लोग तो आने चाहिए, 21 रुपये की कॉस्ट रख रहा हूँ ताकि कुछ मेरे मेहनत का कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके, ठीक है स्टूडेंट। बाकी ये एक पेपर मैं तो फ्री में सॉल्व करने वाला हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो आप इसे देखिए, इससे आपको अगर नहीं ऐसा कुछ करना चाहते तो आप जो है लेकिन तो सेल्फ से फॉलो कीजिए, ठीक है। सो आज की क्लास में स्टॉप करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी, और आप जो है किस तरह से आंसर लिखेंगे उसको भी मैंने आपको बता दिया, यहां से पेज नंबर पर जाके आप इसको सर्च करना, आंसर लिखने की स्ट्रैटेजी आपको मिल सकती है यहां से। और इस बार का जो बोर्ड का पेपर है मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स अगर आएँ साइकोलॉजी में तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे उस चीज़ की क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूर देना, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलिए आप सब अपनी स्टडी कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और इस बार के एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कीजिए। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।